Hello students, now we will see how to draw hypocycloid. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमें दिया है रोलिंग सर्कल डायमीटर वो पहले लिखते हैं. रोलिंग सर्कल डायमीटर यानी स्मॉल d इक्वल्स टू 60 mm और डायरेक्टिंग सर्कल डायमीटर मतलब कैपिटल d 160 mm. जैसे कि हमने epicycloid में निकाला था थीटा, वैसे ही हमें निकालना है पाई स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय थीटा. तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, उसकी वजह से 180 डिग्री लेंगे. स्मॉल डी है 60, कैपिटल आर है 80 और मल्टीप्लाई बाय थीटा. तो इससे जो है वो कैलकुलेशन आएगा आपका 180 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 80. तो ये एंगल जो आएगा आपका 135 डिग्री. थीटा जो मिल गया हमें 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 कर लेते तो ये आएगा आपका 11.25. एक जो पार्ट है वो आ रहा है आपका 11.35. तो पहले हम एंगल लेते 135 डिग्री. तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लेती हूँ लाइक दिस. ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट. एंगल प्रोटेक्टर रखूंगी यहाँ पे और 135 डिग्री एंगल लूंगी फ्रॉम दिस साइड. तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 135. ज्वाइन करेंगे रेफरेंस पॉइंट के साथ और ये रेफरेंस लाइन पे हमें डिस्टेंस चाहिए. डायरेक्टिंग सर्कल रहता है ये, तो इसका रेडियस है 80. तो मैं यहाँ पे 80 ले रही हूँ विद हेल्प ऑफ स्केल चॉक, जो भी आपको आसान जाता है उससे लीजिए. मैंने स्केल से एडजस्ट कर दिया 80. अभी ये सेम डिस्टेंस जो है मैं लूंगी चौक में 80 डिस्टेंस और कर्व ड्रॉ करूंगी फ्रॉम 80 लाइक दिस. 80 में से कर्व ड्रॉ कर, जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो रफ कर देंगे आप. ये एंगल है आपका 135 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट. फिर हमारा जो रोलिंग सर्कल है उसका डायमीटर है 60, तो रेडियस लेंगे 30 डिस्टेंस ले रही हूँ मैं चौक में. यहाँ पे रखना है आपको और सेंटर मार्क करना है. सिंपल एक डॉट मार्क करके लेंगे आप. जहां मिल गया आपको वो होगा आपका सर्कल का सेंटर और वहां से 30 डिस्टेंस लेके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे हैविंग डायमीटर 60. ठीक है, तो आपको वर्टिकल सेंटर तो मिल गया ऑलरेडी. इस पे रख के 90 डिग्री लीजिए, सेंटर पे रख के आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर भी मिल जाएगा. एज यूजुअल सर्कल को हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 30-60 एंगल आपको पता है वो लेंगे आप फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड और ज्वाइन कर देंगे सेंटर के साथ. तो आपका जो सर्कल है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. देखिए ऐसे, ठीक है. नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, हम ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोसाइक्लोइड. तो लेबलिंग जो है ये हमारा ओ है, ये जो लाइन खत्म हो रही उसके आगे से हम लेबलिंग करेंगे 1, 2, 3, 5 ऐसे आपको लास्ट तक लेवलिंग करना है. आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है लेवलिंग की तरफ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उससे आपका नेचर ऑफ कर्व जो है वो पूरा डिफरेंट भी आ सकता है अगर लेवलिंग गलत हो गई तो. नेक्स्ट, आप अभी ओ पे रखेंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट में से कर्व ड्रॉ करेंगे. वन में से कर्व पास कर रही हूँ, वन और इलेवन में से एक ही कर्व आएगा, लास्ट तक आपको पास करके लेना है. फिर टू में से कर रही हूँ, टू और टेन जो है आपका एक ही पॉइंट में आएगा तो आपका एक कर हो जाएगा टू और टेन. नेक्स्ट होगा आपका थ्री और नाइन, आपको सेंटर का भी ट्रांसफर करके लेना है. सेंटर जो है ये आपका, तो एज ए सेंटर लाइन ही ट्रांसफर करके लीजिए. ठीक है, लाइक दिस. नेक्स्ट आएगा अभी आपका एट और फोर. नेक्स्ट
5 or 7 और लास्ट जो है वो आएगा आपका 6 में से, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या करना है आपको, एंगल प्रोटेक्टर लेंगे आप, ओ पे रखेंगे, एंगल मिल गया आपको 11.25, तो एंगल लेंगे आप 11.2, मतलब 11 और 12 के बीच में रख के डॉट मार्क कर देंगे, जहां मिला आपको 11 वो आप ज्वाइन कर देंगे ओ के साथ लाइक दिस। सिमिलरली फिर से आप एंगल प्रोटेक्टर लेंगे, फिर से 11.2 ये एंगल लेंगे, 11 और 12 के बीच में रखेंगे, फिर से वो ज्वाइन करेंगे आप। नेक्स्ट वैसे ही आपको 11.25 कर करके लास्ट तक 12 तक उसे ओके लाइक दिस, मैंने 12 पार्ट्स में उसे कन्वर्ट कर लिया है। आपको ये जो लाइन है वो सेंटर तक ही ट्रांसफर करनी है, देन जो मैंने कन्वर्ट किया उसे लेबलिंग कर लेते, सेंटर को C0, फर्स्ट को C1, C2, सिमिलरली C3, ऐसे आपको लास्ट तक लेबलिंग करनी है इन द फॉर्म ऑफ C, ठीक है। तो लास्ट आएगा आपका C12। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्टेंस लेंगे आप 30, क्योंकि वो है आपका रोलिंग सर्कल का रेडियस, वो डिस्टेंस लेंगे आप 30 चौक में, C1 पे रखेंगे, 1 में का कर, ये 1 का कर, देखिए 30 डिस्टेंस, C1 सेंटर, और 1 में से जो कर पास हो रहा है उसे कट करेंगे, तो 1 में से ये कर पास हो रहा है, ये 1 का कर, C1 पे रख रही हूँ, और 1 में जो कर पास हो रहा है उसे कट कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ कट हो रहा है, ठीक है। देखिए C1 पे रख रही हूँ, इधर भी कट हो रहा है, इधर भी कट हो रहा है, तो हमें कट करना है ये साइड से, क्योंकि 12 के बाद ऐसे कर आने वाला है, तो वो हो गया आपका पॉइंट P1। सिमिलरली C2 पे रखेंगे और 2 के कर को कट करेंगे, तो 2 का कर है ये, तो यहाँ कट हो रहा है P2। देन C3 पे रखेंगे और 3 के कर को कट करेंगे, ये देखिए ये है 3 का कर, ये 3 का कर, तो यहाँ मिलेगा आपको P3। 4 पे रखिए, 4 की लाइन को कट कीजिए, कौन सा है 4 का लाइन, ये है 4 का कर, ये नीचे जो जा रहा है वो है C4 का कर, तो वहाँ आएगा P5। नेक्स्ट है C5 पे रखिए, 5 का लाइन देखिए यहाँ पे अभी नीचे नीचे जाएगा आपका, वो हो गया आपका P5। सिमिलरली 6 पे रखेंगे आप, 6 का कर देखिए ये वाला यहाँ कट हो रहा है, तो ये हो गया आपका P6। 7 पे रखेंगे, 7 का देखिए अभी कौन सा है, ये 5 और 7 का एक ही है, तो ये 7। नेक्स्ट 8, उसके आगे वाला 8, 9 दिस वन, ये सेंटर लाइन के ऊपर, देन सॉरी 7 दिस वन, 8 पे रखेंगे और 8 की कर को कट करेंगे, तो 8 का ये है ये वाला, लेवलिंग कर लेते हैं, P7, ये है P8, C9 पे रखेंगे, 9 का कौन सा, ये देखिए नाइन, 10 यहाँ पे 10 पे रखेंगे, C10, 10 का कौन सा, ये वाला 10, 11 पे रखेंगे, 11 दिस वन, और 12 पे रख के लास्ट, ठीक है। इसको लेबलिंग कर लेते हैं, तो इस प्रकार से मुझे P1, P2, P3, P4 ऐसे पॉइंट्स मिल गए, तो अभी मुझे ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, ठीक है। चल P1, P2 देखिए 12 में से पास हो रहा है, पहले P1 ज्वाइन कर लेती हूँ, देन 2, 3, 4 यहाँ है 2, यहाँ है 3, और यहाँ पे है 4, आ रहे तीनों पॉइंट 2, 3, 4। नेक्स्ट आ रहा है आपका 5, 6, ये देखिए
5, 6, 7. नेक्स्ट देखिए अभी 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ रहे 21 में. ट्राई टू एडजस्ट मैक्स टू मैक्स पॉइंट. देखिए आपका जो कर है वो आ रहा है ऐसा P1 to P12. तो ये क्वेश्चन में आपका सर्कल जो है वो आएगा डार्क और कर जो है वो भी आएगा डार्क. और डायरेक्टिंग सर्कल जो है मतलब ये वाला जो सर्कल है 80 डायमेंशन का वो एक डार्क एंगल कर, बाकी का सब कुछ फेंट. नेक्स्ट हमें 40 डिस्टेंस पे उन्होंने क्या करने के लिए कहा है, नॉर्मल और टेंजेंट. तो हम डिस्टेंस लेते हैं 40 स्केल में. ओ पे रखेंगे और कर को जहां कट होगा वहां कट करेंगे. हाइपोसाइक्लर को जहां कट होगा वहां कट करेंगे. जहां कट हो गया वो गया आपका पॉइंट M. ठीक है. उसके बाद M पे रख के 30 डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल ये डिस्टेंस लेंगे, M पे रखेंगे और सेंटर को कट करेंगे मतलब CO में से जो पास हो रहा है कर उसे कट करेंगे. ये आपका CO जहां कट हो गया, यहां पे कट हो रहा है वो गया आपका पॉइंट Q. वो आप O के साथ ज्वाइन कर देंगे. Q है O के साथ ज्वाइन करेंगे और सेम लाइन डायरेक्टिंग सर्कल को डायरेक्टिंग कर को कट होने तक एक्सटेंड करेंगे. जहां कट हो गया वो गया आपका पॉइंट M. उसके बाद आप M और N ये जो है वो ज्वाइन करोगे वो होगी आपकी नॉर्मल. और M पे आपका एंगल प्रोटेक्टर रखेंगे लाइक दिस और 90 डिग्री एंगल लोगे तो वो हो गई आपकी टेंजेंट. जॉइन दैट 90 विथ M एंड ड्रॉ वन लाइन. दिस इज योर T डैश. सो यहाँ पे आपका नॉर्मल और टेंजेंट ऐसे आएगा. तो इस प्रकार से आप हाइपोसाइक्लोइड ड्रॉ कर सकते हैं.